आगरा में मेयर और नगर आयुक्त के सामने ही पार्षद पति ने बिजली कर्मचारी की जमकर पिटाई की। दरअसल जिस समय स्मार्ट सिटी की प्रेजेंटेशन को लेकर नगर आयुक्त मेयर मीडिया के सामने वार्ता कर रहे थे, उसी समय विजयनगर की पार्षद नेहा गुप्ता अपने पति के साथ तेवर में मेयर के पास पहुंची। उन्होंने मेयर से शिकायत की, लेकिन यह नजारा कुछ और था। पत्नी के साथ अभद्रता की जानकारी सुनकर साथ पहुंचे पति ने मेयर के सामने ही बिजली कर्मचारी को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल मेयर ने पूरे मामले की जांच की बात कही है और यह सेल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का हवाला भी दे रहे हैं। पार्षद के द्वारा इस तरह सरेआम गुंडागर्दी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ESL कंपनी को हमने 32,000 करीब जो शहर की लाइटें हैं उनको बदलने का काम दिया था और राज्य सरकार के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ था और आगरा नगर निगम के द्वारा इसका संपादन कराया गया है और लाइट बदलने के बाद मेंटेनेंस का काम भी इसी कंपनी को करना था, लेकिन अब ये शिकायतें आ रही हैं कि ये मेंटेनेंस के काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं और जानकारी में ये भी आ रहा है कि इन्होंने ESL कंपनी ने कोई जाके गुंडे हैं आगरा के और गलत तत्व हैं और उन लोगों को ये मेंटेनेंस का काम दिया है। जो मेरे पार्षद हैं, अधिकारी हैं, उन पर भी दबाव बनाते हैं। पार्षदों के साथ आए दिन बदतमीजी की बातें करते हैं, देख लेने की पार्षदों को धमकी देते हैं, बाहर निकलने की धमकी देते हैं। पराकाष्ठा गुंडागर्दी की ESL कंपनी के द्वारा की जा रही है आगरा में और इसे हम किसी भी सूरत से बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी सीमा पर जाकर इसका हम विरोध करेंगे। कोई नगर निगम के पार्षद दबेंगे नहीं ESL कंपनी से और ना ही इनकी कोई गुंडागर्दी हम बर्दाश्त कर पाएंगे। आपकी कर्मचारी में और नगर आयुक्त सुनिए, आप हम जो है इसको शासन को लिख रहे हैं इस कंपनी के खिलाफ जो मेंटेनेंस का काम ठीक प्रकार से ये नहीं कर पा रही है कंपनी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका अनुबंध यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत भर के किसी भी राज्य में अगर ESL कंपनी काम कर रही है तो हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे और वहां के गवर्नर को लिखेंगे ESL कंपनी को सभी राज्यों से प्रतिबंध किया जाए क्योंकि आगरा में गुंडागर्दी का माहौल चरम पर ESL कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत कराएंगे। क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार जनप्रतिनिधियों पर है मारना पीटना, क्या ये किस श्रेणी में आएगा? देखिए मेरी बात सुनिए आप, अगर कोई जनप्रतिनिधि का अपमान कोई व्यक्ति करने का ये कौन से कानून में लिखा है कि जनप्रतिनिधि का अपमान कोई व्यक्ति करेगा? क्या जनप्रतिनिधि अपमान करने के लिए निर्वाचित हुआ है? जनप्रतिनिधि को बदतमीजी से भाषा का इस्तेमाल होगा? जनप्रतिनिधि के अंदर का पानी हो गया खून का? कानून हाथ में लेने का अधिकार भी है? कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए लेकिन सामने वाले को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। भाषा शैली का भाषा शैली को मर्यादित ढंग से बोलना चाहिए। हम पूरा शासन को लिखने जा रहे हैं इसको, इनके खिलाफ FIR लिखेंगे। ESL वालों की रोज की कंप्लेंट यही है कि वो लाइट कंपनी भी कंप्लेंट करते रहो, लाइट ठीक करने नहीं आते हैं और लाइट ठीक होने के एक दो घंटे बाद ही लाइट खराब हो जाती है ना, और क्षेत्र में पूरे टाइम अंधेरा पड़ा रहता है। अगर उनसे शिकायत की जाए तो वो बदतमीजी करते हैं। अभी जो मारपीट वगैरह की घटना हुई वो क्या था? कौन सी मारपीट हुई? आपकी मौजूदगी, आप मेयर साहब से आप शिकायत करने आई? हाँ। वहीं आपके हस्बैंड थे और भी साथ के लोग थे, उन्होंने क्षेत्र की जनता कुछ है? भी करे उससे हमें मतलब नहीं, हमारे किसी पार्षद ने कोई मारपीट नहीं करी। हाथ में लेने का हक नहीं ना? नहीं, तो उनको मतलब उनको पार्षदों से जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी करने का हक है, वो हमें धमकियां दे सकते हैं, कुछ भी हक है उन्हें? नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, लेकिन आप शिकायत करने आई थी? नहीं, शिकायत मैं जनता के ब्याप पे तो शिकायत करने आई थी। नया जी, ये जो लड़का पकड़ा था इसका नाम तो, और कहां से पकड़ा था आप लोगों ने? हमने नहीं पकड़ा, ये नगर निगम में ही था। अच्छा, तो ये आप क्या बदतमीजी कर रहा था? दो घंटे की वार्निंग दे रहा था, कहा था मैं गुंडागर्दी करूंगा, तुम जो करना चाहो कर लो।